हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ एजे। आज हम देखने वाला हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नथिंग बट अ क्लाउड सिक्योरिटी थ्रेट्स। ओके, इन दिस सेशन इंट्रोड्यूस अ सेवरल कॉमन थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटी इन अ क्लाउड बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट एंड डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ द थ्रेट एजेंट। डिफरेंट काइंड्स ऑफ कौन कौन से थ्रेट एजेंट्स है कि वो हमने लास्ट वीडियो में देखा या बेसिक कंसेप्ट था, उसकी जो प्लेलिस्ट है आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगी। एंड जो फर्स्ट दो टॉपिक देखे थे उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। 6.1 एंड 6.2 पॉइंट्स देख सकते हैं। इन दिस सेशन आज हम कवर करने वाले डिफरेंट काइंड्स ऑफ थ्रेड्स, कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ थ्रेड्स हम यहाँ पे कवर करने वाले। फर्स्ट, ट्रैफिक ईवीएस ड्रॉपिंग, देन सेकेंड, मलिशियस इंटरमीडिएटली, थर्ड, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, फोर्थ, अनसफिशियंट ऑथराइजेशन, फिफ्थ, वर्चुअलाइजेशन अटैक एंड सिक्स, ओवरलैपिंग अ ट्रस्ट बाउंड्रीज। ओके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थ्रेड सिक्योरिटी थ्रेड्स है हमारे पास, तो सब सिक्योरिटी थ्रेड्स हम यहाँ पे देखेंगे। सो वन बाय वन लेट्स स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। फर्स्ट, दैट इज नथिंग बट अ ट्रैफिक इवेज टॉपिक। जस्ट नेम सजेस्ट, तो ट्रैफिक इन द सेंस क्या होगा हमारे क्लाउड के अंदर? ट्रैफिक इज नथिंग बट अ नंबर ऑफ पैकेज जो ट्रांसफर हो रहे। ओके, और ईवीएस ड्रॉपिंग इन द सेंस, ईवीएस ड्रॉपिंग ऑकर्स व्हेन डेटा बीइंग अ ट्रांसफर विद इन अ क्लाउड कंज्यूमर या क्लाउड प्रोवाइडर टू द क्लाउड। ओके, इट पैसिवली इंटरसेप्ट बाय अ मलिशियस सर्विस एजेंट फॉर अ लेगिटिमेट इंफॉर्मेशन एंड गैदरिंग पर्पज। इसलिए क्लाउड कंज्यूमर्स या क्लाउड प्रोवाइडर्स या क्लाउड सर्विस तक या क्लाउड के पास जो भी डेटा हम ट्रांसफर करते हैं, सेंड करते हैं, तो वाया ट्रैफिक ईवीएस ड्रॉपिंग के अंदर उन डेटा कॉपी किया जाता है। ओके, इन द सेंस जो भी आप नॉर्मल देख सकते हैं पोस्टमैन या लेटर्स होते हैं कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर सेंड करते हैं या लिखे जाते हैं, बट कोई एक थर्ड पर्सन या हैकर होता है वो क्या कर सकता है, उसको रीड कर सकता है, कॉपी कर सकता है। सभी चीज़ें ईवीएस ड्रॉपिंग के अंदर हम कंसिडर करते हैं। ओके, मेन एम क्या है इसका? द एम ऑफ दिस अटैक टू डायरेक्ट कॉम्प्रोमाइज द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ एन इंफॉर्मेशन। ओके, एक स्पेसिफिकली डेटा उसने रीड कर दिया तो उस पर्पज के अंदर इसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी होगी डेटा की यहाँ पे कम हो जाएगी डायरेक्टली, एंड पॉसिबली द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ रिलेशन बिटवीन अ क्लाउड कंज्यूमर्स एंड क्लाउड प्रोवाइडर्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिकॉज ऑफ दिस पैसिव नेचर ऑफ एन अटैक, इट कैन मोर इजिली गो अनडिटेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड फॉर एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम। कि जिसलिए कि जो अटैक है उसका नेचर पैसिव ले, कि कोई एक्टिवली कोई एक्शन यहाँ पे आपको परफॉर्म नहीं होगी, तो इसका डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है इसे बोल सकते हैं, या हम अनप्रेडिक्टेबल है। कि जैसे कि कोई भी किसी का मैसेज है उसको रीड किया है या विदाउट रीड आया है, तो उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसमें से हम लॉस बोल सकते हैं। ओके, सो सिंपल, क्लाउड कंज्यूमर्स टू क्लाउड सर्विस या क्लाउड प्रोवाइडर्स जो हम डेटा सेंड कर रहे हैं, उस सिनेरियो के अंदर क्या हो रहा है कि जो थर्ड पर्सन होगा या हैकर हो सकता है, वो डेटा को क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है, रीड कर रहा है, एंड उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कॉम्प्रोमाइजेशन ऑफ एन कॉन्फिडेंशियल ऑफ यूअर इंफॉर्मेशन। आपका डेटा यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल नहीं है। देन सेकेंड एजेंट्स के अंदर हम देखते हैं, दैट इज नथिंग बट अ मलिशियस इंटरमीडिएटली। इन अ मलिशियस इंटरमीडिएटली द थ्रेड्स आर अराइजेस व्हेन आर द इंटरसेप्ट द अल्टर्ड अ मलिशियस सर्विस एजेंट। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि सेम आपको डेटा दिख रहा है फ्रॉम क्लाउड कंज्यूमर टू क्लाउड, हम जो डेटा सेंड करें ओरिजिनल मैसेज ऑफ योर डेटा, इट मे इंसर्ट हार्मफुल डेटा इन टू अ मैसेज एंड बिफोर अ फॉरवर्डिंग इस डेस्टिनेशन। जो मलिशियस इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या करेगा, एक स्पेसिफिकली मलिशियस डेटा यहाँ पे या जो हार्मफुल डेटा होगा यहाँ पे ऐड करेगा एंड उसके अकॉर्डिंगली और डेटा नेक्स्ट फॉरवर्ड करेगा टू द क्लाउड। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अल्टर्ड हो रहा है आपका डेटा, अल्टर्ड इन द सेंस इंटीग्रिटी ऑफ योर डेटा हैज बीन लॉस्ट और कॉम्प्रोमाइज।
सो वाया कॉन्फिडेंशियलिटी इन द सेंस पर उस डेटा को रीड किया, इन द सेंस कॉन्फिडेंशियलिटी लॉस हो गई, एंड सेकेंड उस डेटा के अंदर चेंजेस परफॉर्म के राइट किया, सो उस पर्पज के लिए इस डेटा का इंटीग्रिटी यहाँ पे हम बोल सकते हैं लॉस हो गई। इसके अकॉर्डिंगली इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पे आपकी लॉस हो रही है इन अ मलिशियस इंटरमीडिएटरी। सिंपल कंज्यूमर एंड प्रोवाइडर है, तो जो मैसेज सेंड हो रहा है उस मैसेज को जो मलिशियस पर्सन होगा और रीड करेगा एंड राइट करेगा। ओके सिंपल इतना ही इसके अंदर। देन नेक्स्ट अटैक इसके अंदर है, दैट इज नथिंग बट अ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ओके इन अ डिनाइल ऑफ सर्विस, डिनाइल ऑफ सर्विस जो आप सर्विस एक्सेस करें या नंबर्स ऑफ यूजर्स उस सर्विस को एक्सेस करें तो उसको डिनाई करना है कि जो ऑथेंटिकेट या एक्चुअल यूजर है यहाँ पे उसको डेटा एक्सेस नहीं करना देना है। तो उस पर्पज के लिए क्या होगा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इज द ओवरलोड द आईटी रिसोर्सेज इन पॉइंट ऑफ वेयर दे कैन नॉट फंक्शनल प्रॉपरली। कि जैसा कि नंबर्स ऑफ रिक्वेस्ट, एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एक स्पेसिफिक सर्वर है तो उसकी कैपेसिटी की एट अ टाइम वो 100 रिक्वेस्ट को एक्सेस कर सकता है, बट इन अ डिनाइल ऑफ सर्विस वो नंबर्स ऑफ 100 रिक्वेस्ट कौन करने वाले, एक ही मशीन जो अटैकर की मशीन है वो हंड्रेड्स ऑफ रिक्वेस्ट यहाँ पे परफॉर्म कर गए, जिसके थ्रू जो एक्चुअल यूजर हो गए ऑथेंटिकेटर्स हो गए उनके रिक्वेस्ट वहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी। ओके तो इस सिनारियो के जो रिसोर्सेज है वो क्या होंगे, कंप्लीटली कंज्यूम होने वाले, कंटिन्यूसली वो डेटा सेंड करता रहेगा एंड उसके अकॉर्डिंगली जो एक्चुअल यूजर है उसको डेटा एक्सेस करने को नहीं मिलेगा। ओके जैसे एक डायग्राम में दिया है, तो क्लाउड सर्विस कंज्यूमर ए एज अटैकर या पर क्या कहेगा, नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट्स एंड नंबर्स ऑफ रिक्वेस्ट सेंड करेगा, तो उस पर्पज के लिए जो आपका एक्चुअल सर्वर होगा क्लाउड होगा वो बिजी हो जाएगा उसको रिस्पॉन्स देने में। सो उसकी वजह से जो एक्चुअल आपका क्लाउड सर्विस कंज्यूमर बी है, जेन्युइन यूजर है, उसको एक्सेस यहाँ पे नहीं मिलने वाला क्योंकि उसकी रिक्वेस्ट आपके क्लाउड सर्वर के पास नहीं जाने वाली। ओके तो दैट इज नथिंग बट अ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। द वर्कलोड ऑन अ क्लाउड सर्विस इज आर्टिफिशियली इंक्रीज विथ एन रिपीटेटेड कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट। इसलिए हमने बोला कि नंबर्स ऑफ रिक्वेस्ट इसको हम इंक्रीज करेंगे, द मल्टीपल क्लाउड सर्विस रिक्वेस्ट इज सेंड एंड ईच इज अ डिजाइन टू कंज्यूमर एक्सप्रेस मेमरी एंड प्रोसेस रिसोर्सेज। की नंबर्स ऑफ रिक्वेस्ट जो सेंड करने वाले उस पर्पज के लिए वो क्या होगा वहाँ पे फिक्स हो जाएगा, या नंबर्स ऑफ और कोई रिस्पॉन्स या और कोई एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकता, तो इसके अकॉर्डिंगली वो कंप्लीटली बिजी हो जाएगा। ओके देन नेक्स्ट थ्रेड एजेंट देखते हैं इसके अंदर, दैट इज नथिंग बट सफिशियंट अनसफिशियंट ऑथराइजेशन। ओके सो अनसफिशियंट ऑथराइजेशन अटैक ऑकर्स वेन एक्सेस इज अ ग्रांटेड टू एन अटैकर टू अ बोथ ब्रॉडली एंड रिजल्टिंग इज अटैकर गेटिंग एन एक्सेस टू आई टी रिसोर्स दैट आर नॉर्मली प्रोटेक्टेड। दिस इज ऑफ्टन अ रिजल्ट ऑफ अटैकर गेनिंग अ डायरेक्ट एक्सेस टू आई टी रिसोर्स वेयर इम्प्लीमेंट अंडर द assume they are only access the trusted consumer program। ओके तो यहाँ पे अटैकर को क्या होगा, जो एक्चुअल रिसोर्सेस है हमारी, जैसे कि डेटाबेस आपको यहाँ पे दिख रहा है विदाउट एनी प्रोसेस, जो क्लाउड कंज्यूमर यहाँ पे क्या करेगा, जो पर्सन होगा जो जेन्युइन यूजर होगा उसका डेटा या क्रेडेंशियल एक्सेस करके जो हैकर होगा वो क्या करेगा, जो आई टी रिसोर्स होगा उसका एक्सेस उसको मिल जाएगा। द वेराइटीज ऑफ दिस अटैक इज नोन एज वीक ऑथेंटिकेशन। की वाई यूजिंग एन वीक पासवर्ड, वीक यूजर नेम, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमका ऑथेंटिकेशन लॉस हो जाएगा। तो ये अटैक कब परफॉर्म होता है, जब कोई कंज्यूमर वीक पासवर्ड रखता है या गेसिंग पासवर्ड रख सकता है, तो हमें यूजर नेम पता है, ईमेल एड्रेस ऑब्वियसली सबको एक दूसरे का पता होता है या फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड गेसेबल ही पासवर्ड होगा तो इजीली वो क्या कर सकता है यहाँ पे एक्सेस कर सकता है। तो अनसफिशियंट ऑथराइजेशन, तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, डायरेक्टली अभी आई टी रिसोर्स का एक्सेस उसके पास मिल गया है, सो जो भी बाकी के एक्चुअल यूजर्स होंगे उसको एक्सेस यहाँ पे नहीं मिलने वाला। So that is nothing but insufficient authorization.
देन नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं, दैट इज नथिंग बट वर्चुअलाइजेशन अटैक। ओके, तो वर्चुअलाइजेशन अटैक इज अ मल्टीपल क्लाउड कंज्यूमर विद एक्सेस ऑफ एन आईटी रिसोर्स दैट शेयर द अंडरलाइंग हार्डवेयर बट आर लॉजिकली एसोसिएट फॉर ईच अदर। ओके, बिकॉज ऑफ एन क्लाउड प्रोवाइडर द ग्रांट अ क्लाउड कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेट एक्सेस टू अ वर्चुअलाइजेशन IT resources such as a virtual server, there is an inherent risk that a cloud consumer could abuse this access and to attack the underlying physical IT resources. So a virtualization attack that exploit the vulnerability in a virtualization to perform to a confidentiality, integrity and or availability of your system. यहाँ पे हम क्या करेंगे, loss हो सकती है वाया वर्चुअलाइजेशन अटैक। वर्चुअलाइजेशन अटैक के अंदर क्या होगा कि नंबर्स ऑफ जो क्लाउड सर्विस कंज्यूमर्स होंगे और सेम पर्सन को सेम क्लाउड को एक्सेस करने वाले, बट एक लॉस हो गया, एक स्पेसिफिक उसमें से सर्विस लॉस हो गई, सेम आईटी रिसोर्स एक्सेस करे एक आईटी रिसोर्सेस लॉस हो गया, तो ऑटोमेटिकली जितने भी नंबर्स ऑफ क्लाउड कंज्यूमर्स है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, सभी यहाँ पे उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी अवेलेबिलिटी यहाँ पे लॉस होने वाली है। ओके, देन नेक्स्ट लास्ट वन इसके अंदर देखते हैं, दैट इज नथिंग बट द ओवरलैपिंग ट्रस्ट बाउंड्रीज। ओके, इन अ ओवरलैपिंग ट्रस्ट बाउंड्रीज इफ के आईटी रिसोर्सेज आर विद इन अ क्लाउड आर शेयर इन अ डिफरेंट क्लाउड सर्विस कंज्यूमर्स दिस क्लाउड सर्विस कंज्यूमर आर ओवरलैपिंग ट्रस्ट बाउंड्रीज। कि सेम आई टी रिसोर्सेज आपने क्या किए कि मल्टीपल क्लाउड कंज्यूमर को यहाँ पे एक्सेस करने के लिए दिए हैं। ओके, इन सच अ सिचुएशन द कॉन्सिक्वेंस इज दैट द सेम और ऑल द अदर क्लाउड सर्विस कंज्यूमर कुड बी इम्पैक्ट ऑफ एन अटैकर यूज एन वर्चुअल आई टी रिसोर्सेज अगेन द अदर्स हैपन आल्सो शेयर द सेम ट्रस्टेड बाउंड्री। कि सेम आई टी रिसोर्सेज आपने जैसे कि हमने बोला था इन क्लाउड कि हर एक यूजर को इंडिविजुअल फिजिकल रिसोर्सेज हम अलोकेटेड नहीं करते, तो हम क्या करते हैं एक सेम फिजिकल रिसोर्सेज मल्टीपल क्लाउड कंज्यूमर्स को हम क्या करेंगे प्रोवाइड करेंगे। सो इफ वो एक्चुअल एक सिंगल फिजिकल मशीन यहाँ पे एक्सप्लॉइट हो गई या अटैक हो गया, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे होने वाला है, उसके जितने भी नंबर्स ऑफ ट्रस्टेड बाउंड्रीज के, जितने भी नंबर्स ऑफ सेम उस बाउंड्रीज के अंदर, लॉजिकल बाउंड्रीज के अंदर हमने जितने भी नंबर्स ऑफ कंज्यूमर्स यहाँ पे दिए है, उन सभी को इसका क्या हो सकता है प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ओके, ए हो गया हमारा ओवरलैपिंग ट्रस्ट बाउंड्री। ओके, इफ आपको इन नंबर्स ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी थ्रेट्स के अंदर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी या कोई भी सजेशन होगा, या इफ आपको आपके टॉपिक के अकॉर्डिंगली कोई वीडियो रिक्वायर्ड होगी, वो भी आप हमें सजेशन में बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको ट्राई करेंगे आपको हेल्प करने के। एंड लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर एंड मोटिवेशन पर्पज, तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो नेक्स्ट वीडियो है जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। ओके, अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।